फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। दूसरा रेफरेंस मुबैना तौर पर आमदन से ज्यादा सासाजात केस में दाखिल किया गया है। 1 अरब 9 करोड़ मालियत के गैर कानूनी सासाजात बनाने का इल्जाम आयद किया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा इस हवाले से। जी नीलम बुखारी, आज जो है फवाद साहब दूसरा जो करप्शन केस है रेफरेंस का, वो साब अदालत में नैब की जानब से दायर कर दिया गया। पहला केस जो था वो अशाना स्कैंडल के हवाले से जो दायर किया गया था, और अब जो रेफरेंस दायर किया गया उसमें मुजरिम जो है फवाद साहब उनके ऊपर 1 अरब 9 करोड़ रुपए के गैर कानूनी जाल बनाने का इल्जाम है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो 5 किनार को उन्होंने कमर्शियल प्लॉट पिंडी में बनाया था, जबकि 3 अरब 85 करोड़ मालियत के 15 मंजिला कमर्शियल प्लाजा भी जो है वो इश्तेदार साबित हुए हैं। इस हवाले से 3 अगस्त 2018 को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जबकि 12 अक्टूबर 2018 को मुस्लिम के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में के मराहल में जो है दाखिल कर दिया गया था। इस हवाले से जो चेयरमैन नैब है उनका कहना यह है कि जो तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो मेरिट पर की जा रही हैं, जबकि डीजी नैब लाहौर का कहना यह है कि तमाम करप्शन केसेस में मेरिट और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एहतसाब अदालत में उनका कहना यह था कि केस रेफरेंस दायर कर दिया गया, अब फैसला जो अदालत ने करना है। 1 अरब से जायद की जो मालियत के जो उनके कमर्शियल जायदादें हैं और दीगर जो जायदादें हैं वो सामने आई हैं तहकीकात के दौरान, उस हवाले से बुनियाद बनाकर तमाम सबूतों के साथ जो है रेफरेंस अदालत में दायर कर दिया गया है। जी शुक्रिया राहिल सैयद, तफसीलात से आगाह किया आपने।